हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। दर्शन दो भगवान, दर्शन दो भगवान, दर्शन दो भगवान, दर्शन दो भगवान। हे परमेश्वर अंतर्यामी, हे प्रभु कृपा निधान, दर्शन दो भगवान, दर्शन दो भगवान। जय माता दी भक्तों, आध्यात्म हमारे देश की आत्मा है। श्रद्धा, भक्ति और आस्था क्रमशः मन, प्राण और जीवन शैली है। हमारे देश में एक से बढ़कर एक तीर्थ स्थान है, एक से बढ़कर एक पावन धाम है, एक से बढ़कर एक शक्तिपीठ है। उन सभी का अपना अपना महत्व है, सभी की अपनी अपनी कहानियां हैं, इतिहास हैं और मान्यताएं हैं। सभी धर्मों में हमेशा कुछ न कुछ चमत्कार होते रहते हैं, भक्तों की मुंह मांगी मुरादें भी पूरी होती रहती हैं। सभी धामों के कुछ न कुछ रहस्य हैं और उनसे जुड़ी जन श्रुतियां हैं, लोक कथाएं हैं, किंवदंतियां हैं। लेकिन मां का एक धाम ऐसा भी है जिसका रहस्य हजारों सालों से अब तक बरकरार है। सती शरीर का जलतो हुआ शरीर उठाकर शंकर भगवान जी जब सारे ब्रह्मांड रूप में घूमने लगे, तो विष्णु भगवान जी ने अपने सुदर्शन चक्र द्वारा माता सती के जलते हुए शरीर का खंडन किया। जहाँ जहाँ सती शरीर की अंगगिरी, वहाँ शक्ति पीठ बने। ऐसे माता सती के 52 अंगगिरी हैं, जैसे कांगड़ा देवी में माता सती का धड़ गिरा है, माता चिंतपूर्णी में चरणगिरी, नैना देवी में नैनगिरी, उसी प्रकार ज्वालामुखी में माता सती का जलता हुआ मुख जीवा गिरा हुआ है। तभी ये मुख से ज्वाला निकलती है, पूरे क्षेत्र का नाम ज्वालामुखी है। माँ ज्वालामुखी में ऐसे 11 ज्योतियाँ हैं जो दिन रात 24 घंटे 12 महीने बिना तेल बिना घीवती से ये माँ की ज्योतियाँ चलती है। आहा हा 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 हा, अद्भुत, मनोहर, पावन, दिव्य। भक्तों, निसंदेह मन को मुक्त कर देने वाला माँ का धाम न केवल पावन है बल्कि सुभावन, लुभावन और मन भावन भी है। यहाँ जगत जननी प्रत्यक्ष विराजमान है। संभवतः इसीलिए माँ के दरबार में भक्तों की भीड़ बनी रहती है। कहते हैं माँ ज्वाला अपने दर पर आने वालों को कभी निराश नहीं करती। कहा जाता है कि माँ ज्वाला के दरबार में रोज प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष चमत्कार होते ही रहते हैं। जलती हुई दिव्य ज्वालाओं के चलते इस धाम को ज्वाला जी मंदिर, ज्वाला देवी मंदिर, ज्योतावाली मंदिर और नगर कोट के नाम से भी जाना जाता है। मान्यता है कि भक्तों की श्रद्धा, भक्ति और आस्था का केंद्र बने मां ज्वाला देवी के इस पावन धाम की खोज महाभारत काल में हुई थी। यहां मां आदि शक्ति ज्वाला के रूप में और भगवान शिव भैरव के रूप में विराजमान है। इस मंदिर की खासियत यह है कि यहां कोई मूर्ति नहीं बल्कि धरती से निकल रही 9 ज्वालाओं की पूजा की जाती है। सदियां गुजर गईं, लेकिन आज तक ये रहस्य कोई नहीं जान पाया कि आखिर यह ज्वाला क्यों निकल रही है, कहां से निकल रही है और कैसे निकल रही है। भक्तों, क्या कभी किसी ने यह जानने की कोशिश की कि ये ज्योति क्यों जल रही है? मां ज्वाला देवी के मंदिर का निर्माण सबसे पहले राजा भूमिचंद ने करवाया था। इसके बाद 1835 में महाराजा रणजीत सिंह और राजा संसार चंद ने इसका पुनः निर्माण करवाया था। भक्तों, मंदिर से जुड़ी कुछ जन श्रुतियां और लोक कथाएं भी हैं, जिनमें से एक लोक कथा गोरखनाथ से भी जुड़ी है। इसके मुताबिक
प्राचीन काल में माँ के एक परम भक्त गोरखनाथ भी थे जो माँ की दिल से सेवा करते थे। माँ ज्वाला भी उनकी कोई बात टालती नहीं थी। एक बार गोरखनाथ को भूख लगी, तब उसने माता से कहा कि आप आग जलाकर पानी गर्म करें, मैं भिक्षा मांग कर लाता हूं। माँ ने गोरखनाथ के कहे अनुसार आग जलाकर पानी गर्म करने को रख दिया और गोरखनाथ का इंतजार करने लगी, पर गोरखनाथ अभी तक लौट कर नहीं आए। कहते हैं आज भी माँ ज्वाला जलाकर अपने भक्त गोरखनाथ का इंतजार कर रही है। ज्वाला माता के संबंध एक ऐतिहासिक कथा भी मशहूर है। कहते हैं 16वीं सदी के आसपास की बात है, तब दिल्ली का राजा मुगल बादशाह अकबर था। उसी समय ध्यानु नाम का एक व्यक्ति जो माता ज्योतावाली का परम भक्त था, एक बार वो देवी के दर्शन के लिए वो अपने गांव वालों के साथ ज्वाला जी के दर्शन को निकला। जब ध्यानु का काफिला दिल्ली से गुजरा तो अकबर के सिपाहियों ने उन्हें रोक लिया और अकबर के दरबार में पेश कर दिया। अकबर ने जब ध्यानु से पूछा कि वो गांव वालों के साथ कहां जा रहा है, तो उत्तर में ध्यानु ने कहा वो माँ ज्योतावाली के दर्शन के लिए जा रहा है। तब अकबर ने ध्यानु भक्त से कहा, तेरी माँ में क्या शक्ति है और वह क्या क्या कर सकती है? तब ध्यानु ने कहा, वह तो पूरे संसार की रक्षा करने वाली है, ऐसा कोई काम नहीं जो वो नहीं कर सकती है। तब अकबर ने ध्यानु के घोड़े का सर कटवा दिया और कहा कि अगर तेरी माँ में शक्ति है तो घोड़े के सर को जोड़कर उसे फिर से जीवित कर दें। ऐसे में ध्यानु ने अकबर से कहा, मैं आपसे एक माह तक घोड़े की गर्दन और धड़ को सुरक्षित रखने की प्रार्थना करता हूं। अकबर ने ध्यानु की बात मान ली। ध्यानु भक्त बादशाह से अनुमति लेकर माँ के दरबार में आ बैठे, माँ की पूजा अर्चना की और अपने भक्त की लाज रखने की प्रार्थना करते हुए उन्होंने अपना सर काटकर माता को भेंट कर दिया। माता ज्वाला उसी समय प्रकट हो गई। माँ ने न केवल ध्यानु भक्त को जीवन दान दिया बल्कि उसकी भक्ति की लाज रखी और घोड़े के कटे हुए सर को भी जोड़ दिया और घोड़े को जिंदा कर दिया। बादशाह अकबर को माता की शक्ति का एहसास हुआ। अकबर देवी के मंदिर में सोने का छत्र चढ़ाने पहुंचा, लेकिन उसके मन में अभिमान हो गया कि वो सोने का छत्र चढ़ाने लाया है। अकबर के अभिमान को माँ ज्वाला ने चूर चूर कर दिया। अकबर के हाथ से सोने का छत्र अचानक जमीन पर गिर गया और उसे एक अजीब धातु का बना दिया जो आज तक एक रहस्य ही है। ये वही छत्र है। राजा अकबर आज से 550 वर्ष पहले दिल्ली से आया। राजा अकबर ने देखा ये छोटी छोटी ज्योतियां हैं, इन ज्योतियों को लोग देवी रूप मानते हैं। उसने अपने मन में सोचा कि मैं ज्योतियों को बंद कर दूंगा, इन ज्योतियों को बुझा दूंगा। पहले अकबर ने ज्योतियों को बुझाने के लिए लोहे के मोटे मोटे तवे जड़वा दिए जो माता ने भस्म कर दिए, राख कर दिए। पर अकबर का दिल नहीं माना। अकबर अपने मन में सोचने लगा ये अग्नि है जो लोहे को भस्म कर देती है। इसलिए अकबर के मन में आया कि मैं ज्योतियों को पानी से बुझाऊंगा, क्योंकि पानी और अग्नि का कोई संबंध नहीं है। यहाँ से 2.5-3 किलोमीटर ऊपर पहाड़ी से जाके टेढ़ा मंदिर है, वहाँ कुदरती पानी निकलता है। वहां से अकबर ने कच्चे पत्थरों की नहर बनवाई, नीचे को उतारा, नीचे पानी का तालाब है, उस तालाब में पानी इकट्ठा किया। और मेन मंदिर में एक कुंड है, उस कुंड में 2 ज्योतियां हैं, 5 ज्योतियां से दीवार के साथ लगी है। अकबर उस कुंड को पानी से भरता गया, जैसे जैसे कुंड भरता गया तो ये ज्योतियों की संख्या बढ़ती गई। जब पूर्ण रूप में कुंड पानी से भर गया तो ज्वाला माता जी ने पानी में तैरते हुए सैकड़ों की बजाय हजारों ज्योतियों के रूप में दर्शन दिए। तब जाके अकबर ने ज्योतियों को देवी रूप माना और माँ के दरबार में अकबर दिल्ली से नंगे नंगे पैर सुबह मन सोने का छत्र लेके आया। जब अकबर सोने के छत्र को चढ़ाने लगा तो उसके मन में फिर घमंड आ गया कि मैं माँ भगवती के चरणों में इतनी ज्यादा सोने की भेंट चढ़ा रहा हूँ। आज तक हिंदू धर्म में आके ना ही किसी भक्त ने इतनी ज्यादा सोने की भेंट ना ही तो चढ़ाई है, ना ही कोई चढ़ा पाएगा। इसलिए
माँ ज्वाला देवी ने उसी टाइम पे आकाशवाणी के द्वारा सोने के छत्रों को स्वीकार नहीं किया और काले रंग में बदल दिया, कोई भी धातु नहीं निकली, आज भी नीचे रखा हुआ है दर्शनों के लिए। हिमालय की गोद में स्थित माँ ज्वालामुखी का पावन धाम जो हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा के पास स्थित है, भक्तों इस धाम का धार्मिक महत्व तो है ही, ऐतिहासिक और वैज्ञानिक महत्व भी है। माँ ज्वाला जी की आरती माँ के भक्तों के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र होती है। आरती के समय मंदिर में अद्भुत नजारा होता है। यहाँ जलने वाली दिव्य ज्योतियां अपने आप ही कभी बढ़कर 14 हो जाती हैं। इसके पीछे भी बड़े आध्यात्मिक कारण हैं। यहाँ पे महामाई जी की जीवागिरी है सती जी की, और तब से यहाँ पे ज्वाला रूप में माई जी दर्शन देते हैं। मुख्य मंदिर जो कि ज्वालामुखी जी का, इसमें 7 ज्योतियाँ विराजमान हैं, जिसमें से जो प्रथम स्थान है वो है माँ चंडी जी, द्वितीय स्थान माँ हिंगलाज जी, तृतीय माँ विंध्यवासिनी जी, और उसके बाद सोने के आले में जो माई है वो महाकाली स्वरूप, जो कि ज्वालामुखी जी का आद्य स्थान है, मूल स्थान है, जिसे हम महाकाली स्वरूप में पूजते हैं, और साथ में है अन्नपूर्णा माई जो कि पंचम स्थान है, षष्ठम और सप्तम जो कि कुंड है, जो गर्भ के अंदर कुंड है जहाँ पे हवन कुंड बना है, वहाँ पे 2 ज्योतियाँ विराजमान हैं जो महालक्ष्मी और महासरस्वती जी के नाम से जानी जाती हैं, और हम उन्हें इन्हीं नामों से पूजते हैं। भक्तों माँ ज्वाला के पावन धाम पहुँचने के लिए वायु, रेल और सड़क तीनों मार्गों की सुविधाएं उपलब्ध हैं। वायु मार्ग से ज्वाला जी जाने के लिए सबसे नजदीकी एयरपोर्ट गगल में है, जो कि ज्वाला जी से 46 किलोमीटर की दूरी पर है। गगल से मंदिर तक जाने के लिए कार व बस की सुविधा हमेशा उपलब्ध ही रहती है। रेल मार्ग, भक्तों अगर आप ज्वाला जी ट्रेन से जाना चाहते हैं तो आपको पहले पठानकोट पहुंचना होगा। पठानकोट से स्पेशल ट्रेन से पालमपुर पहुंच जाइए। पालमपुर से ज्वाला जी मंदिर जाने के लिए बस और कार बड़ी ही आसानी से मिल जाते हैं। और अगर आप सड़क मार्ग से ज्वाला जी जाना चाहते हैं तो आपको दिल्ली पठानकोट और शिमला जैसे बड़े शहरों से ज्वाला जी मंदिर तक जाने के लिए बस और कार की सुविधा उपलब्ध है। इसके अलावा आप अपने निजी वाहन इस्तेमाल कर सकते हैं। हिमाचल प्रदेश टूरिज्म विभाग की बस के जरिए भी ज्वाला जी तक पहुंचा जा सकता है। आप अपनी सुविधा अनुसार किसी भी मार्ग का इस्तेमाल कर माँ ज्वाला के धाम पहुंच सकते हैं और माँ की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। जय माता दी।